नहीं ऐसा बात नहीं है, बहुत लोगों को नहीं आता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज है कुछ गुड न्यूज और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आज, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो लड्डू हम खा रहे हैं वो मेरे बगल में मतलब जो भैया हैं उनका लड़का हुआ है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, उन लोगों ने मिठाई भेजा और मैं खा रहा हूँ। और ये लड्डू बहुत ही सीमान में जो है बहुत टेस्टी लड्डू बनता है, आप लोग आइएगा तो खाइएगा। और आज जो है आप लोगों को पता होगा कि आज इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा गर्मा गर्म मशरूम का सब्जी, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। नहीं आर यू कॉमेडी मी, अच्छा ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है बिना देरी किए। और एक गुड न्यूज है कि मेरा जो सब्सक्राइबर 15 और मेरे भाई का हो क्या है 85, यानी कि दोनों का मिला के हम लोगों का 100K कंप्लीट हो चुका है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना प्यार देते हैं हर एक वीडियो को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बुरा तो पता नहीं भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। तो प्लीज चलते हैं, बिना देरी किए ज़्यादा ही चाटती हैं, तो चलते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग आ रहे घर बन रहा है मशरूम। तो मशरूम को कैसे बनाते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा। तो ये जो मशरूम है ये है सैप्रोफाइट, जो कि आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पे करेला का सब्जी बना हुआ है, बन रहा है। इसमें आलू डाला गया है, पहले करेला को भूज दिया गया है, उसके बाद से। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी को क्या क्या हाल है आपका। अच्छा है, बढ़िया है। और आप लोगों को बहुत ही जल्द एक वीडियो आने वाला है हम लोगों का, थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं मशरूम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग प्याज को वॉश कर देते हैं, काटने के बाद तो करने के बाद। आप कब सीखी थी ये? बताइए, क्योंकि जब से हम पैदा हुए तब से तो खाई है। हम तो अपने मायके से सीख के आए हैं, कुछ नहीं आता तो तुम्हारी दादी को देखे हैं तो हम बना रहे हैं। तुम्हारी दादी हमको बताती नहीं थी, पहले का लोग नहीं बताता था। वो कहता था क्या सीख के आई मायके से, वो बनाओ। ओह माय गॉड। तो यहाँ पे जो है तेल जो है, आप लोग ऐसे ही हम लोग बात करते करते कब बन जाएगा आप लोग को ये पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह देखते रहिए वीडियो और लास्ट तक देखिए कब मशरूम को अब हम लोग गर्मा गर्म तेल में डाल दिए हैं, फ्राई कर रहे हैं। और पापा जी कुछ गए हैं मशरूम लाने, क्योंकि मशरूम कम हो गया है। तो नहीं अब डालिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये नारियल को ये छठ पूजा से रखा हुआ था, तो आज मैंने सोचा कि इसको थोड़ा काट के और कुछ खाया जाएगा, लेकिन ये मेरे से हो नहीं पा रहा है तो मुझसे ना हो पाएगा। क्या गुंडा बनेगा रे तू, मतलब तो ये बहुत मेहनत के बाद इतना हुआ है। ये देखिए क्या क्या मैं सामान यूज कर रहा हूँ, ये देखिए चाकू, ये भी यूज हो चुका है और ये भी यूज हो चुका है और ये आधा भी लगा हुआ है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना मेहनत हो रहा है और फिर भी ये मेरे को इससे रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इससे हमको ये सीख मिलता है कि इतना मेहनत नहीं करना चाहिए, हमको जाके नारियल वाला के पास कटवा लेना चाहिए। खामों खाम इतना मेहनत सुबह से हुआ है। और आई होप आप लोगों को ये देख के आप लोग प्लीज बताइएगा कि किस कैसे ये कटेगा, तो मतलब जल्दी से हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं मशरूम का सब्जी अभी कहाँ तक बना। लव यू, चलिए।
तो गाइस ये सेकंड वाला जो फर्स्ट वाला जो था आप लोग देखे थे कि कैसे वो डल चुका था और उसको निकालने के बाद से फिर से वो पापा लेके आए हैं। और बना रहे हैं, बना लेंगे तो आप लोग देखिएगा, ये तो सबको आता है बनाना मशरूम का सब्जी। नहीं ऐसा बात नहीं है, बहुत लोगों को नहीं आता है, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए हम ही हैं। तो कुछ भी नहीं आता है सबने। आपको आता है सिर्फ मैगी बनाने, सिर्फ इसको आता है खाने। मैगी बनाते हैं कि मम्मी पर सब नखरा है। ये ब्लॉग है मशरूम का सब्जी का भी और बहुत ही कॉमेडी और फनी भी हो जाएगा, तो आप लोग देखते जाइए, मजा आएगा। आगे देखते हैं कि ये कैसे बनता है और बनने के बाद से आपको दिखाएंगे लास्ट में कैसा लग रहा है। तो आप लोगों का बहुत दिन से डिमांड था और जो कोई भी सब्सक्राइब इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप लोग खींचिएगा तो जल्दी जल्दी वीडियो आपके पास आएगा। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तेल का, चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे कुछ शिमला मिर्च डाल देंगे हम लोग और शिमला मिर्च जब डालने के बाद से आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसको ही भूल देंगे और यहाँ पर जो मशरूम निकल चुका है के बाद ये भी आलू का जो करेला का सब्जी है ये भी भुजा चुका है। तो गाइस ये हल्का ब्राउन हो गया है और हम इसको निकाल दे रहे हैं प्लेट में। एक चिटकी हींग डाल रहा है इसमें, ज़्यादा नहीं। और गैस ये दो तेजपत्ता डाल रहे हैं, दो मिर्च डाल रहे हैं और ये लहसुन डाल रहा है थोड़ा सा और ये जीरा और दालचीनी का दो टुकड़ा है और इसमें थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। थोड़ा सा अदरक है इसमें डाल देना है और सही डालते रहते हैं, प्याज डालेंगे इसमें, 5-6 प्याज डाले हैं क्योंकि इसका ग्रेवी गाढ़ा चाहिए, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्याज होना चाहिए। और आप लोग बनाइए खाइए, सब लोग मशरूम बनाता है पता है हमको, लेकिन हम अपने तरीके से बना रहे हैं बता रहे हैं आप लोग को। तो गैस लाल हो गया ये ब्राउन कलर, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, पीला होने तक डाल देंगे और अब थोड़ा सा नमक डालेंगे इसको भूनने के लिए। देखिए अच्छा इसका कलर आ गया है। अब वो हम मसाला इसमें ग्राइंड किए हैं, थोड़ा सा जीरा मरीच लहसुन और गरम मसाला और थोड़ा सा प्याज इसमें ही कर लिया है मिर्चा, अब इसमें हम डाल रहे हैं भूनेंगे। ज़्यादा काम काम नहीं है, अच्छा से बन जाता है ये। दो तीन मिनट मसाला थोड़ा सा भून लिए, तब टमाटर दो काटे हुए, दो टमाटर डाल रहा हूँ। Thank you.
तो गाइस इसको पूरी तरह से भूनने के बाद आप लोग देखे होंगे, अब इसमें हम लोग डाल देंगे मशरूम और उसके साथ शिमला मिर्च। और ये इसलिए डाल रहे हैं कि हम लोगों को पता आप ये बहुत मेरे पास था एक शिमला मिर्च है, इसलिए हम डाल दे रहे हैं, बन भी जाएगा और अच्छा लगेगा। आप ये सब्जी बनाना कौन से क्लास में सीखी थी? कौन सी क्लास में कोई सीखता है, पढ़ाई सीखता है, खाना बनाना सीखता है? तो कैसे आप ये सब बनाना सीखते हैं? हम सब अपने दिमाग से बनाते हैं और कुछ इधर उधर का बनाना चाहिए, कभी अच्छा होता है कभी खराब होता है, तो इसी तरह करते करते आ जाता है डांस बनाने का। वाह क्या बात है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है, अगर आप लोग कोई भी नॉन वेज खाता है तो सेम उसी की तरह ये वेजिटेरियन का नॉन वेज है, मतलब जो शाकाहारी है उनका लिए मशरूम का सब्जी। और आप लोगों को कुछ दिन के बाद यानी देखने को मिलेगा कि कैसे मंचूरियन बनता है, और बहुत सारा रेसिपी, तो आप लोग प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। और आगे देखते हैं कि अब ये कैसा लग रहा है टेस्ट इसका। चलिए थैंक यू सो मच, आगे देखते हैं क्या होगा। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी डाले हैं, थोड़ा सा पकड़ रहा था ये थोड़ा सा और डालेंगे पानी। गाइस ये हो चुका है, अब इसको हम अपने बर्तन में कोई निकालेंगे, खाली कर देंगे इसमें से। और देखिए गाइस कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब इस पर हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, चूल्हा बंद कर दिया है। ये है बिहारी स्टाइल मशरूम। मशरूम आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे बनाते हैं, और अगर आप लोगों को ये सारा अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज एक बार ट्राई कीजिएगा, बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा ये टेस्टी। और गाइस हम इसलिए बना देते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि कोई भी लड़की लोग को या नहीं आता होगा तो इसको देख के आप बना सकती है। अब हम चल रहे हैं बाहर हाय, और चैनल का मुझे सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, प्यार बनाए रखिए। और अभी हम बाहर चल रहे हैं, अब धूप में थोड़ा